ध्वनि भाग तीन, ध्वनि की चाल। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि तरंगों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड के बारे में जानेंगे। ध्वनि की चाल को प्रति एकांक समय में ध्वनि तरंग द्वारा चली गई दूरी से परिभाषित किया जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां ध्वनि की चाल v बराबर लैम्डा बटा t है। हम जानते हैं कि लैम्डा ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य है। यहां लैम्डा एक आवर्त काल t में ध्वनि तरंग द्वारा चली गई दूरी है। हम जानते हैं कि न्यू बराबर एक बटा टी होता है, इसलिए वी बराबर लैम्डा गुना न्यू। इस प्रकार चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि की चाल सभी आवृत्तियों के लिए स्थिर रहती है। अब एक आसान से प्रश्न को हल करते हैं। माना कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज़ है और इसकी तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है, तो इस ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? यहां आवृत्ति न्यू बराबर 5 किलोहर्ट्ज़ बराबर 5000 हर्ट्ज़ है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 40 सेंटीमीटर बराबर 0.40 मीटर है। चाल v बराबर न्यू गुना लैम्डा बराबर 5000 गुना 0.40 बराबर 2000 मीटर प्रति सेकंड। अब हम ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता को समझते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। कभी कभी तीव्रता की जगह हम प्रबलता शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन विज्ञान दोनों को एक जैसा नहीं मानती। जब हम दो समान तीव्रता वाली ध्वनियों को एक ही समय पर सुनते हैं, तो हमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से अधिक प्रबल लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कान एक ध्वनि को दूसरे की अपेक्षा बेहतर रूप से सुनते हैं। इसलिए प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। अब अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल को समझते हैं। ध्वनि एक निश्चित चाल से एक माध्यम में गति करती है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है। जब बिजली कड़कती है तो गरजने की आवाज और बिजली की रोशनी एक ही समय पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन तुम बिजली की रोशनी देखने के बाद गरजने की आवाज को सुनते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज गति करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। जैसे ही हम ठोस माध्यम से गैसीय माध्यम में जाते हैं, ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड है और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर प्रति सेकंड है। अब इस तालिका पर नजर डालो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल को दर्शाती है। अब क्या तुम्हें पता है कि कुछ वस्तुओं की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है?
जब एक वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो इसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता है। क्या तुम किसी पराध्वनिक चाल से चलती हुई वस्तु का उदाहरण दे सकते हो? बंदूक की गोली और जेट विमान पराध्वनिक चाल से चलने वाली कुछ वस्तुएं हैं। जब एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो ये वायु में प्रघाती तरंगे उत्पन्न करता है। इन प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहा जाता है। पराध्वनिक जेट विमान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी ऊर्जा होती है कि ये खिड़कियों के शीशे तोड़ सकती है और यहाँ तक कि घरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस वीडियो में हमने ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम ध्वनि के परावर्तन, प्रतिध्वनि और अनुरणन के बारे में जानेंगे।